हाँ जो भाई जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी वीडियो देख ली नहीं देख ली प्रियांशु कल क्लास ली थी तूने तो फिर वीडियो देखी आपने फिर क्या कर रहे हो आज जाओ घर जिन्होंने कल हैं तो बंद कर क्लास क्या करेगा अटेंड करके कल क्लास से रिलेटेड है जो आज के टॉपिक है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन आज का टॉपिक है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन आज का टॉपिक है भाई रिडम्पशन बाय कन्वर्जन क्या है रिडम्पशन बाय तूने कर देख के आया कि बिना देखे आया है हाँ जो टॉपिक का नाम है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन बच्चों इसके अंदर क्या होता है बाय क्या हाँ जो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में क्या होता है कि डिबेंचर्स जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर इक्विटी शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स में या डिबेंचर्स में तो एंट्री क्या आती है डिबेंचर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन की डिबेंचर अकाउंट डेबिट अगर प्री रिडम्पशन था तो प्री रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्री रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्री रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर ये जो ड्यू करने की एंट्री है ये ड्यू करने की एंट्री है डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्री रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स फिर जो ये डिबेंचर होल्डर्स होंगे ना इनको आपको क्या देना है हमें कन्वर्ट करना है इसमें इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में या डिबेंचर्स में हमें कन्वर्ट करना होता है इक्विटी शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स में या डिबेंचर्स में डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्री रिडम्पशन डेबिट डिवेंचर होल्डर इनको कन्वर्ट करना होता है इक्विटी शेयर में प्रेफरेंस शेयर में डिवेंचर में फॉर्मूला होता है अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर डिवाइड बाय इशू प्राइस अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर डिवाइड बाय इशू प्राइस बच्चों इशू प्राइस कैसे निकालते हैं इशू प्राइस निकालते हैं फेस वैल्यू अगर प्रीमियम हो तो ऐड हो जाएगा डिस्काउंट हो तो माइनस हो जाएगा प्रीमियम हो तो ऐड हो जाता है और डिस्काउंट हो तो माइनस हो जाता है इशू एट डिस्काउंट हो तो ठीक है जो समझा की बात नोट कर लेना उसके बाद एंट्री आ जाएगी उसके बाद एंट्री आ जाती है कर भाई कर उसके बाद एंट्री आ जाती है डिवेंचर होल्डर डेबिट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में या डिवेंचर्स में तो इक्विटी शेयर अप्रैल आपका क्रेडिट हो जाएगा अगर प्रेफरेंस शेयर अप्रैल तो वो क्रेडिट हो जाएगा अगर डिबेंचर में कन्वर्ट हो रहे तो डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा तो पहली एंट्री आती है जो डिबेंचर डेबिट प्री रिडम्पशन डेबिट डिबेंचर होल्डर फिर जो हमें निकालनी है शेयर्स प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर डिवाइड बाय इशू प्राइस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर अप्रैल प्रेफरेंस शेयर अप्रैल डिबेंचर्स डेबिट में क्या आएगा डिस्काउंट आएगा डेबिट में क्या आएगा डिस्काउंट आएगा और अगर क्रेडिट में आया तो प्रीमियम आएगा क्रेडिट में आएगा तो प्रीमियम आएगा तो डिबेंचर होल्डर डेबिट डिस्काउंट टू इशू डेबिट टू इक्विटी शेयर अप्रैल प्रेफरेंस शेयर अप्रैल डिबेंचर डेबिट में आया तो डिस्काउंट क्रेडिट में आएगा तो प्रीमियम आ जाएगा क्या आ जाएगा समझ आ गया जो बात की नहीं आई
समझ आ गया भाई? क्वेश्चन करते हैं, उसे समझ आएगा। नोट कर लिया भाई कि नहीं कर रहा? करिए सबने नोट। चलूं मैं आगे? हाँ जी, जो नोट हो गया ना, क्वेश्चन लिखो फिर। क्वेश्चन ये है, 10% डिवेंचर 2 लाख, 10% डिवेंचर 2 लाख रुपए के हैं, इज कन्वर्टेड इनटू प्री इज ड्यू फॉर रिडेम्पशन, इज टू बी रिडीम एट दसवें प्रीमियम, इज टू बी रिडीम एट दसवें प्रीमियम, उसे रिडीम करना है जो दसवें प्रीमियम पे। 10% डिवेंचर है 2 लाख के, उसको रिडीम करना है जो दसवें प्रीमियम पे, बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स, बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। तीन केस बन, बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। पहला केस बन सकता है इशू एट पार, और दूसरा केस बन सकता है प्रीमियम पे। पहला केस बनता है इशू एट पार, दूसरा केस बनता है इशू एट प्रीमियम। इशू एट दसवें प्रीमियम या 20वें, आप कर लो इसको, इशू एट दसवें प्रीमियम कर लो। ठीक है जो, तो इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कन्वर्ट किए जाएंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाएंगे। पहली एंट्री क्या आएगी? फेस वैल्यू ऑफ शेयर कुछ ना गिवन, तो 10 रुपये होती है। क्या होती है? 10 रुपये होती है। कुछ गड़बड़ किया कहाँ पे? 396, ये परमानेंट रोल था तो माइनस होगा, परमानेंट रोल है। यहाँ उल्टा चल रहे हैं, साइन और पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस होगा। ये एडिशन अप्लाई, ये ऐड होगा, समझ आ गया बात? हाँ सर, ठीक करके फिर एक दो बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा करके आई हो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो जो, देखो पहली एंट्री क्या आती है, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, प्री ऑन रिडेम्पशन है जी, प्री ऑन रिडेम्पशन है तो क्या डेबिट हो जाएगा? प्री ऑन रिडेम्पशन डेबिट हो जाएगा, कितना? 2 लाख का 10%, 20,000। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्री रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्री रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। क्या कल समझ आ रहा है ना भाई तेरे को सब कुछ? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्री रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। आगे बात समझ। उसके बाद है जो, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? इक्विटी शेयर्स देंगे इनको, इसमें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के, आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर निकालने पड़ेंगे। कितने बचो? अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर 220 डिवाइड बाई इशू प्राइस, डिवाइड बाई इशू प्राइस है। 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में इशू कर रहे हैं, 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में इशू कर रहे हैं, 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में इशू कर रहे हैं, ठीक है? इशू एट पार, तो जो ये आ गया 22,000। एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर डेबिट, डिबेंचर होल्डर डेबिट 2,20,000। क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ शेयर बताओ, कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने देंगे। तो आपका आंसर होगा एमसीक्यू में 22,000। ये पूछा जा सकता है शेयर कितने से क्रिएट होंगे, शेयर क्रिएट हो रहे हैं 220 से,
शेयर कितने से क्रेडिट हो रहे हैं? 220 से। उसके बाद है जो दूसरा केस है इश्यू एट 10% प्रीमियम। दूसरा जो दूसरा केस है इश्यू एट प्रीमियम, पहली एंट्री तो सेम आएगी, पहली एंट्री तो सेम आएगी, ठीक है जी। ये पहले केस की थी इश्यू एट पार की, अब है इश्यू एट प्रीमियम। अगर हम इश्यू एट पार का इश्यू एट प्रीमियम करें तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? अमाउंट ड्यू टू वेंडर 220 डिवाइड बाय इशू एट प्रीमियम है, 10वें प्रीमियम पे है, 10वें प्रीमियम में नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्या एक मिनट, यहाँ पे 220 था ना, एक शेयर 10 रुपये का, ये 22000 थे। हाँ यहाँ पे है 220, एक शेयर 11 रुपये हो जाएगा, 10वें प्रीमियम है, सॉरी 10वें प्रीमियम है, 10 रुपये शेयर, 10वें प्रीमियम 11 रुपये हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 20000 आ गए। कितने आ गए? नंबर ऑफ शेयर आ गए 20000। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? हाँ नंबर ऑफ शेयर आ गए 20000 आ गए। तो यहां आ जाएगा डिबेंचर होल्डर डेबिट 220000, इक्विटी शेयर्स जो 20000 शेयर्स दे रहे हैं, 20000 शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं डिबेंचर्स को, 20000। एक शेयर हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है फेस वैल्यू से, हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है फेस वैल्यू से। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है जो इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर कितने दिए जाएंगे? 20000। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीमियम में कितना जाएगा, आगे जो बात समझ। समझ आ गया जो बात के नहीं आई? कई बार क्या होता है जो डिबेंचर्स को नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कई बार क्या होता है नए डिबेंचर्स को, हाँ नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखो वो कैसे होगा, फिर कर दो रेस। देखो जी क्वेश्चन देखो, 10% डिबेंचर्स 1,00,000 रुपये के हैं, 10% प्रीमियम, तो 10% डिवेंचर जो 1,00,000 के रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे, बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स, बाय कन्वर्टिंग इनटू 12% डिवेंचर्स, बाय कन्वर्टिंग इनटू 12% डिवेंचर। अब डिवेंचर जो इशू एट पार पे भी हो सकते हैं, अब जो डिवेंचर होते हैं वो इशू एट पार पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं,
इशू है, डिस्काउंट तो होता है, डिवेंचर भूल गया, डिवेंचर चैप्टर भूल गया क्या भाई, कैसी बातें कर रहा है। इशू एट डिस्काउंट लिख लेना, इशू एट 5% डिस्काउंट, इशू डिवेंचर डिस्काउंट पे नहीं किया था क्या, 12th करके आया ना भाई। थर्ड इशू एट 10% प्रीमियम, तो जो ये है आपका कि हमारे 10% डिवेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं नए डिवेंचर्स के अंदर। हम जो देखो यहाँ पे पहली एंट्री आएगी जी 10% डिवेंचर डेबिट 1,00,000 रुपए, रिडम्पशन एट प्रीमियम है, डिवेंचर डेबिट प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर डेबिट प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, 1,10,000 कितना होता है 10,000 होता है, टू डिवेंचर होल्डर 1,10,000 हो जाएगा। पहली एंट्री आएगी डिवेंचर डेबिट प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर हो जाएगा, आप देखो जो हमें ना इन डिवेंचर होल्डरों को ना डिवेंचर्स देने हैं नए, केस वन इनकाउंट डिवेंचर्स देने हैं, पहला केस है इश्यू एट पार, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालो, अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर 1,10,000 डिवाइड बाय इश्यू प्राइस, 100 रुपये वाला डिवेंचर 100 रुपये में इशू हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे 1,100। बच्चों MCQ में यही पूछेगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर बता दो, तो जो एंट्री क्या आएगी डिबेंचर होल्डर डेबिट, एंट्री क्या आएगी डिबेंचर होल्डर डेबिट 1,10,000, इसे कन्वर्ट करना है जो 12% डिबेंचर्स में, इसे कन्वर्ट करना है 12% डिबेंचर्स में। बच्चो यहां पे डिबेंचर कितने के हैं 1,100 डिबेंचर है, एक डिबेंचर कितने का होगा 100 रुपये का होगा, 1,10,000, तो यहाँ डिवेंचर होल्डर डेबिट डिवेंचर हो जाएगा। हाँ जो आगे देखिएगा बी केस, हाँ जो ये देखिएगा ये हो गया, दूसरा केस है जो इश्यू है डिस्काउंट है, तो जो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकालिएगा, अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर 1,10,000, 100 रुपये वाला डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, 100 रुपये वाला डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, 95 करना भाई कितना आ गया, 100 डिवाइड बाय 95, बच्चों ये ना 1157.5
89 आ रहा है जो ये फ्रैक्शनल डिवेंचर्स आ गए। आपको याद होगा मैंने बताया था इश्यू डिवेंचर में भी कि फ्रैक्शनल डिवेंचर कैसे देना होता है, कैश देना होता है, क्या देना होता है फ्रैक्शनल डिवेंचर को, क्या देना होता है कैश देना होता है, क्या देना होता है कैश। तो एंट्री आ जाएगी डिवेंचर होल्डर डेबिट 110,000। जो नंबर ऑफ डिवेंचर आ रहे हैं 1157.894, हम डिवेंचर इशू करेंगे 1157। ये आ रहे हैं जो 1157.894 है डिवेंचर होल्डर डेबिट टू डिवेंचर्स है, वन वन फाइव सेवन है। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए है, 1157,000 हो जाएगा। और जो 5 रुपए डिस्काउंट है वो डेबिट होगा, जो 5 रुपए डिस्काउंट है ना वो डेबिट हो जाएगा, जो 5 रुपीज का डिस्काउंट है वो डेबिट हो जाएगा, 5 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो डेबिट हो जाएगा, 1157 to 5 हो जाएगा। करना हो जो 1157 to 5 कितना हो गया, फाइव सेवन एट फाइव हो गया। अब जो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहे होंगे, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहे होंगे, क्यों नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल डिवेंचर्स, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल डिवेंचर मैच नहीं होंगे। मैच करने के लिए जो फ्रैक्शनल डिवेंचर्स को हम कैसे पे करते हैं, कैश में पे करते हैं, कैसे पे करते हैं, तो ये हम कैश में पे कर देंगे। ठीक है जी, ये पूछा जा सकता है कि फ्रैक्शनल डिवेंचर को कितना कैश दिया जा रहा है, फ्रैक्शनल डिवेंचर को कितने रुपये कैश दिया जा रहा है, 5 रुपये कितना आ रहा है बैलेंस कितना आ रहा है 85 आ रहा है, सॉरी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रैक्शनल डिवेंचर को कितना कैश दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं 85 रुपीज कैश दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं 85 रुपीज। समझ आ गया बात की नहीं आई, ये वही वाला कंसेप्ट है जो हमने डिवेंचर्स में किया था। हम जो आगे देखते हैं तीसरा केस, आखिरी केस, तीसरा केस क्या है जो इशू है 10% प्रीमियम है, तीसरा केस क्या है जो इशू है 10% प्रीमियम है। तीसरा केस देखो जो इश्यूअर प्रीमियम है तो कितने डिवेंचर्स हैं, अमाउंट ड्यू डिवेंचर होल्डर 110,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना है 100 रुपये वाला डिवेंचर है 10वें प्रीमियम पे 110, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे 1000 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1000। देखो बच्चों ये नंबर ऑफ डिवेंचर आएगा 1000,
अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। तीसरा केस था बच्चों दसवें प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तीसरा केस था दसवें प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 100 रुपए वाला डिबेंचर दसवें प्रीमियम पे, नंबर डिबेंचर आ जाएगा 1000, यहाँ एंट्री आ जाएगी बच्चों डिबेंचर होल्डर डेबिट 1,10,000। कितना डिबेंचर दे रहे हैं? 12% डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का है, नंबर डिबेंचर कितने हो गए? 1,00,000 रुपए हो गए, कितने हो गए? समझ आ गई बात? यहाँ आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जो इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यही पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर बता दो, डिबेंचर कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, ये आ सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है नंबर ऑफ डिबेंचर बता दो, ये पूछा जा सकता है डिबेंचर कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, या फ्रैक्शनल शेयर्स केस में कितने हमें कैश में देने होंगे। समझ आ गई मुझे बात? बच्चों ये जो रिडम्पशन डिबेंचर में कन्वर्जन होता है ना, इसके अंदर क्या नहीं बनता? DRR भी नहीं बनता। क्या नहीं बनता? याद रखना, इन केसों मैंने कल लिखवाया भी था, जिन्होंने कल क्लास अटेंड की थी, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन केस में DRR नहीं बनता है। DRR हाँ जी, जो ये जो केस था बच्चों हमने किए थे, ये जो मैंने अभी केस करा रहा था, ये केस कौन सा करा रहा था? इश्यूअर डिबेंचर एट, हमने इश्यूअर डिबेंचर किए थे पार पे या प्रीमियम पे, किस पे किए थे? इसके अंदर अब एक केस और होता है कि आपने इश्यू और डिबेंचर किए थे एट डिस्काउंट। इश्यू और डिबेंचर किस पे किए थे? हाँ, एट डिस्काउंट इशू किए थे। आपने डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट पे, लेकिन दो केस बनते हैं, रिडम्पशन हो रही है ऑन मैच्योरिटी, रिडम्पशन हो रही है, एक होती है ऑन मैच्योरिटी और एक हो रही है रिडम्पशन बिफोर मैच्योरिटी। अगर जो एक हो रही है रिडम्पशन ऑन मैच्योरिटी और एक हो रही है रिडम्पशन बिफोर मैच्योरिटी,